नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ऐतिहासिक चूक पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। देश में ऐसा पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे हों और उनकी सुरक्षा को लेकर सस्पेंस जैसी स्थिति बन गई हो। ये पूरा मामला इसलिए और भी संवेदनशील हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री जिस फ्लाईओवर पर फंसे थे वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रोटोकॉल से हुए इस खिलवाड़ पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा के प्रोटोकॉल से जुड़े ब्लू बुक के नियमों का पालन क्यों नहीं किया। रास्ते में प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी के बावजूद पीएम मोदी के रूट को ग्रीन सिग्नल क्यों दिया गया, और अगर प्रधानमंत्री का काफिला फंसा तो रास्ते को खाली क्यों नहीं कराया गया। प्रधानमंत्री के इमरजेंसी रूट को लेकर पंजाब पुलिस ने कोई तैयारी क्यों नहीं की। सबसे बड़ा सवाल ये कि प्रधानमंत्री के रूट के पल पल की जानकारी प्रदर्शनकारियों को आखिर कैसे मिल रही थी। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर भले ही पंजाब सरकार अब कोई हाई लेवल कमेटी बनाकर इसकी जांच की बात कर रही हो, लेकिन इस पूरी लापरवाही से पंजाब पुलिस और DGP पीछा नहीं छुड़ा सकते। सवाल ये है कि पंजाब पुलिस ने पीएम की सुरक्षा प्रोटोकॉल के ब्लू बुक के नियमों का पालन क्यों नहीं किया। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG की ब्लू बुक में पीएम की सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश होते हैं। इसके मुताबिक राज्य पुलिस को किसी भी इमरजेंसी वाले हालात में दूसरे रूट का इंतजाम करना होता है। सवाल ये उठता है कि पंजाब में प्रदर्शनकारियों की वजह से ऐसे ही हालात थे, उसके बाद भी पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री के लिए वैकल्पिक रूट का इंतजाम क्यों नहीं किया। आमतौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए SPG के कमांडो चारों ओर घेरा बनाकर चलते हैं। प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने की पहली जिम्मेदारी भले ही SPG की हो, लेकिन किसी राज्य में दौरे के समय स्थानीय पुलिस और सिविल प्रशासन भी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। राज्य की पुलिस लगातार SPG के संपर्क में होती है और हर हालत की जानकारी देती रहती है ताकि प्रधानमंत्री के मूवमेंट को उसके मुताबिक बदला जा सके, लेकिन पंजाब पुलिस ने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पहली बार ऐसी ऐतिहासिक चूक हुई। प्रधानमंत्री के काफिले का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उस राज्य के DGP की भी होती है। उनके नहीं मौजूद होने की स्थिति में दूसरे सबसे सीनियर अधिकारी प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलते हैं, लेकिन पीएम मोदी के पंजाब दौरे में ये देखने को नहीं मिला। सवाल ये है कि पंजाब के DGP काफिले के साथ क्यों नहीं थे। पंजाब सरकार तर्क दे रही है कि प्रदर्शनकारी वहां अचानक पहुंच गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम गोपनीय होता है तो प्रदर्शनकारियों को आखिर इसकी जानकारी कैसे मिल रही थी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर पंजाब सरकार कोई भी तर्क दे, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अब देखना यह है कि पीएम की सुरक्षा में हुई इस ऐतिहासिक लापरवाही के बाद पंजाब पुलिस के खिलाफ कब और क्या एक्शन लिया जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही।